कैसे हो भाई लोग, दीदी लोग? आज पुनीत सर की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, सम इम्पोर्टेंट मेंडेलियन टर्म्स, यानी मेंडल के द्वारा यूज की गई कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स जिनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहली टर्म जो आती है वो है करेक्टर। करेक्टर क्या होता है कि बॉडी के किसी एक फीचर को, चाहे वो एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, उसे हम करेक्टर कहते हैं। अ वेल ग्रोन वेल नोन फीचर इज कॉल्ड करेक्टर। जैसे हाइट का करेक्टर, वेट का करेक्टर, कलर का करेक्टर, फ्लावर की पोजीशन का करेक्टर, पोर्ट कलर करेक्टर, तो ये अलग अलग तरह के करेक्टर होते हैं। दूसरा आता है ट्रेट। ट्रेट क्या होता है? वेरियस फॉर्म ऑफ अ करेक्टर इज कॉल्ड ट्रेट। यानी एक करेक्टर के अलग अलग फॉर्म्स को हम क्या कहते हैं? ट्रेट कहते हैं। जैसे हाइट का है टॉल एंड ड्रॉफ, या वेट का है हैवी एंड लाइट, या कलर का है रेड एंड वाइट। इस तरह से अलग अलग करेक्टर के अलग अलग ट्रेट हो सकते हैं। जनरली किसी भी करेक्टर के दो कंट्रास्टिंग ट्रेट होते हैं, लेकिन तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, और बहुत सारे भी हो सकते हैं। अब आता है तीसरा, फैक्टर। फैक्टर को मेंडल ने एलिमेंट भी कहा, जीन भी से आजकल कहा जाता है, एनलेज भी कहा जाता है। इसे फैक्टर को जीन नाम जॉनसन ने दिया था। यह इनहेरिटेंस की यूनिट है और एक करेक्टर को कंट्रोल करती है। ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जब जाएगी तो सिंगल जाएगी, एक ही जाएगा, लेकिन जब एक्सप्रेस होना होगा तो यह पेयर के अंदर एक्सप्रेस होता है। आमतौर पर फैक्टर पेयर के अंदर मिलते हैं, ठीक है, अब क्योंकि ये एक्सप्रेस भी पेयर में ही होते हैं, लेकिन ये ट्रांसफर जो है वो सिंगल की तरह होते हैं, सिंगल होते हैं, ठीक है। आपने फिल्मों में डायलॉग सुना होगा ना कि हम आते अकेले हैं, हम जाते अकेले हैं, लेकिन दुनिया में जोड़े में रहते हैं। वैसे ही ये भी फैक्टर भी आता अकेला है, जाता भी अकेला है, लेकिन रहता पेयर में है, सिंगल ये कुछ नहीं कर सकता। अब आता है एलील्स या एलिलोमॉर्फ्स। वेरियस फॉर्म ऑफ अ जीन और फैक्टर इज कॉल्ड एलील और एलिलोमॉर्फ। जैसे कि जो हाइट का फैक्टर है उसके दो एलील होंगे, टॉल एंड ड्रॉफ। अगर किसी भी फैक्टर के दो एलील हैं तो इसे बोलते हैं डाई एलिलिज्म, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हर करेक्टर के जनरली दो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स होते हैं, इसीलिए जनरली हर फैक्टर के दो एलील होते हैं, डाई एलिलिज्म होता है, लेकिन कभी कभी इनके दो से ज्यादा एलील भी हो जाते हैं, इसे कहते हैं मल्टीपल एलिलिज्म। और ये जनरली किसमें मिलता है? ब्लड ग्रुप्स में मिलता है, आई ए, आई बी, आई ओ, जो हमारा ब्लड ग्रुप है उसमें मल्टीपल एलिलिज्म है, तीन जीन जो हैं, तीन एलील उसे कंट्रोल करते हैं। इसके बाद आता है, अब अगर हम कहते हैं कि जितने भी फैक्टर हैं वो पेयर में रहते हैं, अब पेयर में रहते हैं तो अगर पेयर के दोनों एलील सेम हैं, बोथ एलील आर सेम, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं होमोजाइगस पेयर या होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जैसे कि कैपिटल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, कैपिटल बी कैपिटल बी, स्मॉल बी स्मॉल बी। होमोजाइगस जनरली प्योर लाइंस के अंदर मिलते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर प्योरली होमोजाइगस होते हैं उन्हें प्योर लाइन कहते हैं, और होमोजाइगस किस में मिलते हैं? प्योर लाइन में मिलते हैं। दूसरे होते हैं हेटेरोजाइगस, जिनके अंदर पेयर के दोनों एलील अलग अलग हैं, एक कैपिटल टी है तो दूसरा स्मॉल टी, एक कैपिटल बी है तो दूसरा स्मॉल बी, एक आई ए है तो दूसरा आई बी, एक आई ए है तो दूसरा आई ओ, एक आई बी है तो दूसरा आई ओ। इसका मतलब दोनों एक जैसे नहीं है, इन्हें हेटेरोजाइगस कहते हैं, और ये हमेशा हाइब्रिड के अंदर मिलते हैं। हाइब्रिड के अंदर मिलते हैं, जो भी हाइब्रिड होगा वो हेटेरोजाइगस होगा। अब इन्हें होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस क्यों कहते हैं? होमोजाइगस पेयर से जो भी गैमेट बनता है, दोनों गैमेट बनने वाले जो गैमेट हैं वो एक जैसे होते हैं, इसीलिए इन्हें होमोजाइगस कहते हैं। लेकिन हेटेरोजाइगस के अंदर जो गैमेट बनते हैं वो दोनों अलग अलग तरह के होते हैं, एक में कैपिटल होता है, दूसरे में स्मॉल होता है। एलील क्रोमोसोम में जिस पोजीशन पर होते हैं उन्हें लोकस कहते हैं।
लोकस क्रोमोसोम पर एलील की पोजीशन होती है और दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम पर ये सेम होती है। अब हम देखते हैं कि एलील बने कैसे। भाई शुरुआत में अगर एक ही जीन रहता तो अच्छा रहता ना, तो फिर ये नए नए एलील आए कैसे, एक जीन की अलग अलग फॉर्म कैसे बनी। तो इसका डेवलपमेंट देखने के लिए हम देखते हैं सबसे पहले वाइल्ड एलील के बारे में पता करते हैं। वाइल्ड एलील वो जीन होता है जो ओरिजिनली प्रेजेंट होता है और सबसे ज्यादा क्वांटिटी में मिलता है, सबसे ज्यादा फैला हुआ होता है। अब ये जीन कोई खास प्रोटीन बनाएगा, वन जीन वन एंजाइम थ्योरी आपने पढ़ी होगी, ठीक है, बीडल और टेटम ने दी थी। ये कहते हैं कि हर एक जीन क्या करता है, जीन इज अ पीस ऑफ डीएनए जो आरएनए बनाता है और आरएनए से बनता है प्रोटीन। तो हर एक जीन एक स्पेशल प्रोटीन बनाता है जो एक स्पेशल एंजाइम बनाता है और उस एंजाइम से स्पेशल रिएक्शन होती है और एक कोई ट्रेट डेवलप हो जाता है। अब मान लो उसके अंदर उस वाइल्ड जीन के अंदर, उसे वाइल्ड जीन कहते हैं जो ओरिजिनल जीन होता है, उसे वाइल्ड जीन कहते हैं। अब इस वाइल्ड जीन के अंदर कोई म्यूटेशन हुआ, उस म्यूटेशन से म्यूटेंट एलील बन गया। अब ये म्यूटेंट एलील तीन पॉसिबिलिटी दिखाएगा, या तो ये वही का वही प्रोटीन दोबारा बना दे, तब तो वही स्पेशल एंजाइम भी बनेगा, वही स्पेशल रिएक्शन होगी और वही ट्रेट दोबारा से पैदा हो जाएगा। लेकिन हो सकता है कि ये वो वाला प्रोटीन ना बनाए, जो स्पेसिफिक प्रोटीन है उसे ना बनाए, तो एंजाइम भी नहीं बनेगा, रिएक्शन भी नहीं होगी और कोई दूसरा ट्रेट, उसी कैरेक्टर का कोई दूसरा ट्रेट पैदा हो जाएगा। और हो सकता है कि अगर वो कोई प्रोटीन बना ही ना, ऐसा उसके अंदर जेनेटिक कोड आ जाए कि वो किसी तरह का प्रोटीन बनाए ही ना, तो फिर भी एंजाइम नहीं बनेगा, एंजाइम नहीं बनेगा तो रिएक्शन नहीं होगी, रिएक्शन नहीं होगी तो ट्रेट टू फिर से एक्सप्रेस हो जाएगा। इस तरह से एक तरफ ट्रेट वन होगा और दूसरी तरफ ट्रेट टू होगा। ट्रेट वन जो है डोमिनेंट होगा और ट्रेट टू रिसेसिव होगा। म्यूटेंट एलील से बनने वाले जितने भी डेवलप होने वाले ट्रेट होते हैं जनरली रिसेसिव होते हैं। और वाइल्ड जीन या वाइल्ड एलील जो होते हैं वो क्या होते हैं, डोमिनेंट होते हैं। तो ये जो है आपके वाइल्ड एलील और म्यूटेंट एलील है। अगला कॉन्सेप्ट है डोमिनेंसी का। डोमिनेंसी का मतलब क्या है, अब आप देखिए होमोजाइगस अगर पेयर हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैपिटल टी कहेगा टॉलनेस टॉल बनाओ प्लांट को, दूसरा वाला कैपिटल टी भी कहेगा टॉल बनाओ प्लांट को, तो प्लांट टॉल पैदा होगा। स्मॉल टी है तो ड्रॉफनेस होगी, दूसरा वाला स्मॉल टी भी कहेगा ड्रॉफनेस है तो प्लांट ड्रॉफ पैदा होगा। तो होमोजाइगस में जो किसी भी ट्रेट का एक्सप्रेशन ज्यादा इशू नहीं रखता, एक ही ट्रेट होता है और वही एक्सप्रेस हो जाता है। लेकिन हेटेरोजाइगस जो प्लांट होते हैं, हेटेरोजाइगस ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके अंदर एक एलील अलग है, दूसरा एलील अलग है, एक कहेगा टॉल तो दूसरा कहेगा ड्रॉफ। अब इन दोनों में किसकी मानी जाएगी, इसे ही डोमिनेंसी कहते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ द ट्रेट इन द हेटेरोजाइगस कंडीशन इज कॉल्ड डोमिनेंसी, यानी कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में ट्रेट का एक्सप्रेशन जिस तरीके से होता है उसे डोमिनेंसी कहते हैं। ये तीन तरह की होती है। पहली है कंप्लीट डोमिनेंसी, जो कि जनरली हम इस समय पढ़ते हैं, मेंडल ने दी थी। इसमें एक जीन पूरी तरह एक्सप्रेस हो जाता है जिसे डोमिनेंट जीन कहते हैं, और दूसरा जीन पूरी तरह से अनएक्सप्रेस रहता है हाइब्रिड के अंदर, उसे रिसेसिव जीन कहते हैं। जैसे कि पाइसम सेटाइवम के अंदर जो हाइब्रिड है वो हमेशा टॉल होता है, ठीक है, तो टॉलनेस जो है डोमिनेंट है और ड्रॉफनेस है वो रिसेसिव है। डोमिनेंट को कैपिटल्स में दिखाते हैं और रिसेसिव को स्मॉल में दिखाते हैं। अब आता है इनकंप्लीट डोमिनेंसी। इनकंप्लीट डोमिनेंसी जो है इसमें दोनों जीन एक्सप्रेस होते हैं लेकिन इनकंप्लीटली, दोनों जीन अपने आप को एक्सप्रेस तो करते हैं पर कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं करते, वो इनकंप्लीटली एक्सप्रेस करते हैं। ऐसा होता है मिराबिलिस जलापा में, जिसमें रेड और व्हाइट फ्लावर का क्या किया जाए, अगर हाइब्रिडाइजेशन कराया जाए तो उनसे रेड या व्हाइट फ्लावर ना बनके दोनों के इनकंप्लीट एक्सप्रेशन से बनने वाला पिंक फ्लावर बनता है। तीसरा है कोडोमिनेंसी। कोडोमिनेंसी में दोनों ही जीन एक्सप्रेस हो जाते हैं पूरी तरह से, ठीक है। ऐसा देखते हैं हम किसमें, ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर। अगर ए है और बी है दोनों हैं, तो ए
जो है जीन वो पैदा करता है एंटीजन ए, और बी जो है वो बनाता है एंटीजन बी, और ए बी के अंदर दोनों एंटीजन पैदा हो जाते हैं जिससे ब्लड ग्रुप ए बी बन जाता है। ऐसा हम कैटल्स में भी देखते हैं, अगर काली गाय का सफेद सांड के साथ में मीटिंग कराई जाएगी तो बच्चा जो पैदा होगा वो स्पॉटेड होगा, काले पे व्हाइट धब्बे या व्हाइट पे काले धब्बे। इसके बाद आता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है क्रॉसिंग बिटवीन ऑर्गेनिज्म विद डिफरेंट ट्रेट्स, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म के बीच में क्रॉसिंग रिप्रोडक्शन जिनमें क्या हो, डिफरेंट ट्रेट्स हो, जो किसी ट्रेट्स के लिए डिफरेंट हो। ठीक है, अब अगर ये एक ट्रेट के लिए डिफरेंट है तो इसे बोलेंगे मोनोहाइब्रिड, अगर ये दो ट्रेट के लिए डिफरेंट है तो इन्हें बोलेंगे डाईहाइब्रिड, अगर ये बहुत सारे ट्रेट के लिए डिफरेंट है तो इन्हें बोलेंगे पॉलीहाइब्रिड। जनरली हम लोग मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड के बारे में ही पढ़ते हैं। अब हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है? हाइब्रिडाइजेशन जो है उसके चार स्टेप्स होते हैं। पहला होता है डेवलपमेंट ऑफ प्योर लाइन पेरेंट्स। प्योर लाइन पेरेंट्स जिसके अंदर होमोजाइगसिटी होती है, ये प्योरली होमोजाइगस होते हैं, इनमें किसी करेक्टर के कोई भी करेक्टर प्योर फॉर्म में होता है। दूसरा स्टेप है क्रॉसिंग बिटवीन प्योर पेरेंट्स जिससे F1 जनरेशन बनेगी। तीसरा स्टेप है सेल्फिंग अमंग हाइब्रिड्स, जो प्योर पेरेंट्स से हाइब्रिड बने हैं उनमें सेल्फिंग कराई जाएगी। और चौथा स्टेप है फिनोटाइप जीनोटाइप ऑब्जर्वेशन, यानी के जो F2 जनरेशन है उसके अंदर फिनोटाइप और जीनोटाइप कैसे बनेंगे ये देखा जाएगा स्टेप 4 के अंदर। तो हम यहां देख लेते हैं प्योर लाइन क्या है। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विद द होमोजाइगस ट्रेट डेवलप बाय कंटिन्यूअस सेल्फिंग। होम प्योर लाइन को बनाने का तरीका क्या है, लगातार कंटिन्यूअस सेल्फिंग करेंगे तो क्या होगा, प्योर लाइन डेवलप हो जाती है। अब सेल्फिंग क्या है? सेल्फिंग सिंपल सेल्फ पॉलिनेशन या सेल्फ फर्टिलाइजेशन, जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म का गैमेट अपने ही दूसरे गैमेट को फर्टिलाइज कर देता है। इसके बाद में आता है हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब होता है जनरेशन बाय क्रॉसिंग बिटवीन प्योर पेरेंट्स, इसे F1 जनरेशन भी कहते हैं या फर्स्ट फिलियल भी कहते हैं, और ये हमेशा हेटरोजाइगस होती है, यानी कि प्योर पेरेंट में क्रॉसिंग से जो जनरेशन पैदा होती है उसे हाइब्रिड जनरेशन कहते हैं, और ये हमेशा हेटरोजाइगस होती है। हेटेरोसिस क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ सुपीरियर क्वालिटीज इज कॉल्ड हेटेरोसिस और हाइब्रिड विगर, यानी के जो हाइब्रिड है उसके अंदर पेरेंट्स की सुपीरियर क्वालिटीज को प्रेजेंट होना क्या कहलाता है, हेटेरोसिस या हाइब्रिड विगर कहलाता है। इसके बाद में आता है F2 जनरेशन, सेकेंड फिलियल जनरेशन भी कहते हैं, इसे हाइब्रिड के अंदर सेल्फिंग से ऑब्टेन किया जाता है और इसी का ही जीनोटाइप और फिनोटाइप देखा जाता है। अब आता है जीनोटाइप और फिनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब होता है रेशियो ऑफ इंडिविजुअल बेस्ड ऑन जेनेटिक स्ट्रक्चर या जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, और फिनोटाइप होता है रेशियो ऑफ इंडिविजुअल बेस्ड ऑन फीचर्स, एक्सटर्नल फीचर्स। जैसे कि हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर F2 जनरेशन का अगर फिनोटाइप देखें तो उसमें दिखते हैं 3 लंबे और 1 छोटा ड्रॉप प्लांट, लेकिन जब इनका जीनोटाइप देखें तो पता चलता है कि जो 3 लंबे हैं उनमें प्योर टॉल जो है वो 1 ही है, और 2 जो हैं हाइब्रिड टॉल हैं, और जो 1 बचा हुआ था ड्रॉप वो प्योर ड्रॉप है। इसके बाद में आता है पुनेट स्क्वायर। ये डेवलप बाय आर सी पुनेट रामचंदानी पुनित नहीं है, ठीक है, पुनित सर नहीं है ये, इनका नाम है रेजिनेल्ड सी पुनेट, ठीक है, और इन्होंने प्रोबेबिलिटी रिजल्ट की प्रोबेबिलिटी दिखाने के लिए एक स्क्वायर बनाया था जिसे हम बोलते हैं पुनेट स्क्वायर। इसमें फीमेल को हमेशा स्टैंडिंग पोजिशन में रखा जाता है और ऊपर मेल को ऊपर लेटी हुई कंडीशन में रखते हैं, ठीक है, और उसके बाद में इनका क्रॉस कराते हैं। अब आता है बैक क्रॉस। बैक क्रॉस सिंपल क्रॉस होता है, पेरेंट का क्रॉस हुआ जिससे हाइब्रिड बने। अब हाइब्रिड अगर वापस बैक जाके पेरेंट से क्रॉस करेगा तो क्या बोलेंगे, बैक गया, ठीक है, तो इसे बैक क्रॉस कहते हैं। क्रॉस बिटवीन हाइब्रिड एंड द पेरेंट्स इज कॉल्ड बैक क्रॉस। ये दो तरह का होता है, आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। अगर हाइब्रिड
डोमिनेंट के साथ क्रॉसिंग करे तो इसे आउटक्रॉस कहते हैं, और अगर हाइब्रिड रिसेसिव के साथ क्रॉसिंग करे तो इसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं। ठीक है, टेस्ट क्रॉस को होमोजाइगोसिटी या हेटेरोजाइगोसिटी चेक करने के लिए क्या किया है, परफॉर्म किया जाता है। कोई भी प्रॉब्लम या डाउट होने पर मुझे यहां कॉन्टेक्ट करें। टिल देन कीप योर बॉडी स्ट्रांग, माइंड स्ट्रांग एंड स्टडी स्ट्रांग।